पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाफ जाब्ता भर्तियों का मामला, नैब ने साबिक चेयरमैन नजम सेठी समेत दीगर केसेस एफआईए को भिजवा दिए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, राहिल सईद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, नैब ने आज तक में 6 केसेज एफआईए को भिजवाए, जिसमें सबसे अहम केस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी का है। इनके खिलाफ नैब में केस चला था, जिसमें इनके ऊपर जो इल्जाम थे वो खिलाफ जाब्ता भर्तियों के अलावा जो पीएसएल ने खुद पुट थी उसके हवाले से तहकीकत चलनी थी। तहम नैब ने अपने पास से केस जो एफआईए को रेफर कर दिया और एफआईए के डायरेक्टर को लेटर में कहा गया कि इस केस की तहकीकत करें, जबकि इसके अलावा जो दिगर केसेज हैं उसमें एशिया इंश्योरेंस का केस था, उसके अलावा लेक्सो के चंद केसेज थे और फारूक हसन एग्रीकल्चर का जो केस था वो भी एफआईए के हवाले कर दिया गया। सबसे अहम केस जो था वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी का था। इस हवाले से जाहिर कहना यह कि एफआईए में भी पहले इनके साथ तहकीकत चल रही थी, उसके बाद केस नैब के पास चला गया था, लेकिन अब दोबारा नैब ने डायरेक्टर एफआईए को हदायत जारी की है कि इस केस की तहकीकत वो करें, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली मुबैना तौर पर बेजाबतियां भर्तियां और पीएसएल के मामला शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।